जिले के नरवर में एक युवक 3 माह पहले एक युवती को लेकर भाग गया, जिसके बाद युवती ने 27 सितंबर को सोशल मीडिया पर युवती ने एक वीडियो जारी कर घर वालों पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद परिजनों ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार भगवान सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 3 नरवर ने बताया कि मेरी गीता कुशवाहा को प्रमोद कुशवाहा पुत्र अगर सिंह कुशवाहा निवासी नरवर 2-3 माह पहले भाग कर लिया गया था, जिसकी शिकायत नरवर थाना सहित एसपी ऑफिस में दर्ज कराई गई थी। प्रमोद कुशवाहा के परिवारजन लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि प्रमोद कुशवाहा पुत्र अगर सिंह कुशवाहा और उसके अन्य साथियों ने दबाव देकर 27 सितंबर को पुत्री गीता कुशवाहा को बहला फुसलाकर उससे सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों पर झूठे आरोप लगाकर हमारी और रिश्तेदारों की छवि खराब की जा रही है और हमारे से अवैध रुपया मांगा जा रहा है, जबकि उक्त व्यक्ति और लड़की के साथ कोई घटना होती है तो वे स्वयं उपस्थित होकर हमारी पुलिस प्रशासन में शिकायत कर सकते हैं। एसपी से परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह कुशवाहा। बोलो थोड़ा। नरवर के। अच्छा, कहाँ से आए हो? नरवर से। क्या समस्या लेके आए हो? एसपी ऑफिस क्या समस्या लेके आए हो? समस्या जी लेके आए सर जी, मेरी बच्ची मेरे भज्जा का नाती बजा लेगा। अच्छा। की बुझा लगती है जी, तो बा बजा लेगा। 3 महीने हुआ उसका कोई पता नहीं। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ से? नरवर से। अच्छा, कौन ले गया? क्या नाम है उसका? वो मेरा भाई का लड़का है, नाती। अच्छा, भाई का प्रो नाम। उम्र कितनी होगी? तो बाकी 25 साल 27 साल की उम्र हमारी। अच्छा, मोड़ी की 19। तो आपने थाने में आवेदन दिया उसका? आवेदन दिया यार भाई। अच्छा, हाल की हाल जब ही हाँ ठीक है। तो बिना कही कि हम कार्रवाई करेंगे, उसको पकड़ेंगे जी करेंगे। आज तक बिना कोई सूचना लौट गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए तो भी हम पहले आवेदन एक बार और दिया गए थे एसपी ऑफिस में, एक दफे और देगा आप। अच्छा, 181 वगैरह लगाई आपने? लगाई थी। अच्छा, क्या आश्वासन दिया एस पी साहब ने आपको? वो अभी अभी कहाँ बातें नहीं हो रही। अच्छा, अभी दिया नहीं आवेदन? नहीं, आवेदन तो जिनने ले लिया दे दी, प्राप्ति दे दी होगी। अच्छा, क्या चाहते हो आप? अब जी चाहते हैं सर जी, ऐसे हमारे रिश्तेदार है तो हमारे संग में कोई परेशानी जी आ रही है तो वे साथ ढंग रहे हैं हमारे। चलो हम तुम्हारे साथ में खाने में जे, तो उनको आरोप लगा रहे हैं कि साहब तो मोड़ा भैंस लगवा रहा है प्रमोद कि जी अपनी बच्ची। प्रमोद कौन है? प्रमोद वही जो ले गया, ले गया। अच्छा, बच्ची को। तो बच्ची का नाम है? गीता भाई। गीता भाई, ये लड़का कहाँ रहता है? हमारे मकान से मकान भाई का भैया भैया के लड़के हैं। अच्छा अच्छा, नाती है। मैं छोटा हूँ, वो बड़ा भाई था। तो कहीं पर ही पता करने नहीं, आपने पता करा कहीं पर रिश्तेदारों में? वैसे पता वैसे ही लगा, न्यूज कोई नहीं बता रहा कि ठिकानी जगह है। अहमदाबाद में पता लग रहा है। बच्ची का नाम था? गीता भाई। गीता भाई। अच्छा, उम्र कितनी होगी? हमारे 19 साल में चले। अच्छा, तो अब यार वो क्या लगा रहे हैं कि जी रिश्तेदार वो साथ धंधा करवाते, बड़ा खबर आ रहा है कि तू जो का है कि मेरे पे जी धंधा करवाते घर वाले और जी जो लोग साथ में रिश्तेदार हैं मेरे और भाई बंद हैं जो मेरे साथ में डगर रहे हैं एकदम जी थाने के जरिए में, तो जी इनका नाम लगा रहे हैं कि साहब जी सवाई मिल के ना और जी कैलाश विधायक ये धंधा करवा रहे हैं लड़की को, तो लड़की रोटी भाई मेरे पास। झूठा नाम लग रहा है इनका, झूठा नाम लग रहा है। अब लड़की मेरे पास लड़की रोटी भैया आई तो मैं उसको बचा के लेकर भैया। कौन कह रहा? वही मोड़ा कह। अच्छा अच्छा, रोटी मेरे पास आई तो मैंने उसकी मदद करी, इसको बचाया। और काम में ये कह रहे थे कि ये धंधा तू नहीं कराएगी तो हम तुझे मार के फेंक देंगे। अच्छा, चिखवा रहा हूँ मोड़ा। अच्छा, मोड़ा के बाहर आवा मोड़ी के और साहब जे सब रिश्तेदार की और भाई बंधन की बदनामी हो रही है, समाज की बदनामी। 3 महीने हो गए आज? 3 महीना हो गए। दूसरी बार आवेदन दिया आपने? हाँ जी, दूसरी बार दिया। कलेक्टर में भी दिया जनसुनवाई? नहीं, आज हुआ है।